Thank you very much, dear students, for joining me to discussion. My name is Kavir sir, and on behalf of Institute of Freelancing and PFN School, I welcome you all. जिस तरह हमने yesterday वाले session में बड़े creative काम कुछ किया था, we came up with so many different parts and parts की basis पे we have planned के आज हम इंशाल्लाह उसी की continuation में we will start our new क्रिएटिव सेशन जिसमें हम फ्लावर्स क्रिएट करना सीखेंगे. बहुत ही सिंपल प्रोसेस, बड़ा ही सिंपलेस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग फ्लावर्स है. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस स्टेप बाय स्टेप. ओके जी, लेट्स गो टू दिस इलस्ट्रेटर फर्स्ट, एंड दैट्स द सिंपलेस्ट इलस्ट्रेटर की कोई भी आप स्क्रीन ओपन कर लें, वहां से क्रिएट करें न्यू फाइल से न्यू की ऑप्शन, एंड लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग फ्लावर्स. फ्लावर्स के लिए एज जिस तरह आपका एज आई टोल्ड यू अर्लियर के पहले स्केच एक जहन में बना लें, किस तरह का, किस टाइप का पैटर्न, किस तरह का फ्लावर आप बनाना चाहेंगे. ऑटोमेटिकली आपका वन लीफ या उसका एक पैटर्न बनेगा और ऑटोमेटिकली रिपीटेशन में वो सर्कुलर शेप में वो सारे के सारे बनना शुरू हो जाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट विद द इनिशियल शेप फर्स्ट, एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ ट्राइंगल, जिसकी बेसिस पे हम एक ट्राइंगल की बेस पे हम एक फ्लावर बना लेते हैं. ओके, लेट्स डू दिस वन, और यहाँ से करते करते दिस एंड दिस, दैट इज द इनिशिएशन ऑफ द फ्लावर. हाउ कैन वी डू दिस? वेरी इजीली, ये दोनों तो सेंटर में हैं, इन दोनों को बस आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा क्लोजर कर लें, एंड नाउ आई थिंक यू कैन गिव इट अ स्टार्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप इस कॉर्नर को पकड़ें with the help of direct selection tool, and then all of the students okay continuously login kar rahe hain, isliye I'm getting quite a bit disturbed with this. Bar bar mujhe rule ke liye chalna padta hai. Okay ji, aur uske baad aapko ye wala corner pakda and give it that convert selection to the smooth points, theek hai, instead of ke main simple isko rakhu. Ab maine iske edges ko thoda thoda outer side pe expand kar dena, so that ke it should look like something smooth, is tarah wali shape. So direct selection tool se jaise hi ye shape banegi, automatically apne alt key ke sath isko pakadna hai aur usko yun thoda sa expand kar dena. बिल्कुल ऐसे ही इसको पकड़ना है, इसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, ठीक है. लेकिन याद है कि ये कॉर्नर आपका ये वाला, इट शुड बी स्मूथ के लिए फिर हम ये है कि इसको थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ इसके इसके हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेटन कर देंगे, करेक्ट. Almost of this shape, right? And let's see what's the outcome. What is this? दरमियान में एक एक्स्ट्रा क्यों बन गया, मैंने शायद alt की प्रेस कर दी थी, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट. अच्छा जी, लेट सपोज दिस इज द शेप ऑफ योर सेंटर वाले पोर्शन को भी हम इसी तरह ही कन्वर्ट कर देंगे टू दिस, सो दैट इट शुड लुक्स मोर ब्यूटिफुल सॉर्ट ऑफ शेप. थोड़ा सा इस वाले बॉटम को एक्सटेंड कर देते हैं, एरो की से मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, एंड दैट्स इट आई थिंक. इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, सो दैट के अब आई थिंक इट्स बिकमिंग क्वाइट अ गुड शेप, वो वाली बनती जा रही है जो कि एक सॉर्ट ऑफ पैटर्न की. अब आप इस पर अप्लाई करेंगे सिंपल लाइट सा ग्रेडियंट टूल. ग्रेडियंट टूल अप्लाई करने के लिए देर आर सो मैनी वेज. वन इज के जाके इसके फिल के ऊपर जाके ग्रेडियंट अप्लाई करें, या दूसरे तरीके ये कि इसको पिक करें, इस सारे को पिक करें, सारे के सारे को यहाँ पर जाके इसके ऊपर क्लिक कर, जो भी बाय डिफॉल्ट कलर है वो अप्लाई हो जाएगा. अब आप इसके ऊपर कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो वाइट को आप चेंज करें विद द हेल्प ऑफ डबल क्लिक, एंड स्वेचेस पे जाके अपनी मर्जी से कोई भी कलर देते हैं. लेट्स सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन अ कलर समथिंग लाइक दिस, एंड the other color should be
almost like this, लेकिन इसके साथ वाला something like this, that's okay, that's okay. लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं एंड इसका एंगल चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर सिंपल जाएं और इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल आप शिफ्ट की के साथ इसको वर्टिकल शेप करें, ठीक है. एंड द अपर साइड इज को थोड़ा सा डार्कर करने के लिए आप स्वेचेस पे जाएं और इसकी शेप को थोड़ा सा ऐसे कर दें डार्क, लाइक समथिंग लाइक दिस. या इफ यू वॉन्ट के ये दैट्स ओके, आप इस वाले साइड से करना चाहते हैं डबल क्लिक करें और अंदर वाली साइड को थोड़ा सा कर दें डार्क, आउटर साइड थोड़ी सी ले लाइट, द इनर साइड जो इनर वाली साइड होगी दैट विल बिकम अ लिटिल बिट डार्क. सो इन दो तीन तरीकों से आप विद हेल्प ऑफ दीज टूल्स आप एक लीफ क्रिएट करेंगे इसका वन साइड, और दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इसकी जो आउटलाइन है दिस देयर शुड बी नो आउटलाइन, दिस लॉजिकली इसकी आउटलाइन नहीं होती है, ठीक है. सो आई थिंक दिस इज वेरी मच ओके नाउ, एक्सेप्ट तो थोड़ी सी डिटेल इसमें ऐड करने के लिए बट विल डू इज के हम यहाँ पर थोड़ी सी कर्व्स इस तरफ और इस तरफ हल्की सी उड़ा देते हैं, उसके लिए बड़ा आसान तरीका है जिस तरह मैंने लास्ट में आपको बताया था विद हेल्प ऑफ पेन टूल भी क्रिएट कर सकते हैं. इसी के अंदर रहते हुए आप एक शेप क्रिएट करें समथिंग लाइक दिस एंड यहाँ से आके इस जगह पर खत्म कर दें, ठीक है. और उसके बाद एग्जैक्टली इस पे जाके कर्नर को एज करने के बाद इसको थोड़ा सा देर देता है, राइट. जैसे ही कर्व कंप्लीट हो इसके अंदर क्या कलर देना है दैट इज अगेन वेरी मच योर चॉइस. राइट नाउ द कलर इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट हो जाए इस पे क्लिक करें और फ्लैट कलर डालें. सो दैट्स ये इसके बिल्कुल ग्रेडियंट के साथ फ्लैट कलर है. इस फ्लैट कलर पे क्लिक करने के बाद यू कैन चूज एनी ऑफ द कलर व्हिच यू वांट. फॉर एग्जांपल आप ये चूज करना चाह रहे हैं व्हिच इज माय रिकमेंडेड बिकॉज ये कलर स्कीम भी सेम हो जाएगी, थोड़ा सा डिफर भी हो जाएगा एंड दिस वुड बी क्वाइट विजिबल आल्सो, राइट. सो इसकी कॉपी बनानी है आपने, राइट क्लिक कॉपी एडिट, कॉपी एडिट से पेस्ट इन फ्रंट. ओके जी पेस्ट इन फ्रंट कर दें आप, यस पेस्ट इन फ्रंट हो गया. विद द हेल्प ऑफ आल्ट की आप यहां से इसको रोटेट करके इस तरह कर सकते हैं. सो दैट मीन्स कि एग्जैक्टली वही चीज उस शेप में आ जाए. सिंपल आप ये मैंने आपको पहले टूल बताया था वैसे बाय द वे यू रिमेम्बर, कि अगर आपने उसकी कॉपी बनानी कुछ ऐसी इस तरह की शेप दैट इज आई थिंक क्वाइट गुड ना. अब हमें आई थिंक एक अगर सेंटर में बना ले तो हमारा पर्पज सॉल्व हो जाता है. सो पर्पज में हम व्हाट वी कैन डू इज कि हम स्ट्रेट लाइन सेंटर में रखें, ठीक है. स्ट्रेट लाइन सेंटर में समवट लाइक इस तरह एंड ऑफ कोर्स लेकिन ये बिल्कुल क्योंकि कलर इसका सेम है एंड बिल्कुल नो कलर. सो इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ एंड इसकी इंटेंसिटी को 0.25 या 0.5 कर दो. सो दैट ये नहीं पॉइंट दैट इज वे टू मच आई थिंक. सो हम ये करते हैं कि येलो के बजाय इसको भी ऑलमोस्ट वही वाला कलर दे देते हैं जो कि इसका कलर एक्चुअल था, लेकिन ये विजिबल नहीं होगा. सो देयर इज नो प्रॉब्लम. आप जाए यहाँ से स्वेचेस पे, दैट इज स्वेचेस ओपन करें और स्वेचेस से जाके सॉरी वेयर इज दिस वन यहाँ से जाके आप इसको क्लिक करें एंड जो भी इसको वर्जन आप बनाना चाह रहे हैं, आप लाइटर वर्जन बनाना चाह रहे हैं, आप इसको डार्कर इसमें ऐड करना चाह रहे हैं ब्लैक, तब बड़ी ओपन जो भी चॉइस आपकी है दैट इज ओके. या चले लेट सपोज हम इसको चले ठीक है फॉर द टाइम बीइंग हम यही करते हैं एंड लेट्स सी हम इसको पकड़ते हैं राइट क्लिक से करते हैं ग्रुप. सो दैट्स आवर फर्स्ट थिंग व्हिच वी हैव कम्ड अप कम्स अप. सो अब हमने इसको करना है रोटेशन में ऑलमोस्ट टू द थ्री. लेट्स मेक फोर कॉपीज ऑफ दिस फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर एंड लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम. अगर तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक चलता है तो इट्स ओके, नहीं तो हम इसको छोटा सा अल्ट्रेशन और लगा देंगे.
अच्छा जी, अब आपने सारे को सिलेक्ट किया, ये देखें ये है वन की इज द रोटेट, दो तीन तरीके हैं रोटेट करने के, इस पर क्लिक करें, इट विल गिव यू द सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेंटर पॉइंट को उठा के आप ले आए बिल्कुल नीचे, ऑलमोस्ट उस लोकेशन के ऊपर जिसके अराउंड इसने सर्कल में ये रोटेट करना। ठीक है, और यहाँ से विद द हेल्प ऑफ आर्ट की, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, आई थिंक दिस इज सर्कल, दोबारा मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, नीचे लेके आता हूँ एंड ये देखिए आर्ट की के साथ मैंने जस्ट उसको मूव किया, तो चूंकि रोटेशन कमांड ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सो कितने एंगल पे, दैट इज 86, साथ साथ एंगल ही होता है 88, 98, जैसे ही 89, 90 पे पहुंचेगा ऑलमोस्ट आप पहुंचे। ओके, नाउ हम बेसिकली हम ये करेंगे कि हमने डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल डी एंड डी, होप आपको समझ आ गया। मैं यहीं पे होल्ड करता हूँ, अगर नहीं समझ आई तो मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग दिस, अदर वे कुड बी, लेट्स सपोज मैं अंडू 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 करके मैं एक तरीका और आपको बता दूँ, चले अगर कंपैरेटिवली ये मुश्किल लगे आपको। ओके, अगर ये कंपैरेटिवली आपको रोटेशन, पहले ये तरीका गौर से समझ लें, बस तो रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन आप यहाँ पे इस सारे के सारे को पहले करेंगे ग्रुप, राइट राइट नाउ इट इज एवरीथिंग इज ग्रुप, हम इस ग्रुप को रोटेट करना चाहते हैं। ओके, इसको करना है सिलेक्ट, जाना है रोटेट पे, रोटेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे इट विल गिव यू द ऑप्शन के दैट्स द सेंटर पॉइंट, इसके इर्द गिर्द ये रोटेट होगा, बट माय रिक्वायरमेंट इज कि हमने इस सेंटर के इर्द गिर्द इसको रिवॉल्व करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मैं यहाँ पे इसको ये देखें यहाँ पे इसको यूं करूँ। अगर तो आपने इसी के राउंड अबाउट घुमाना है तो फिर तो वहीं पर ठीक है। ओके, लेकिन रिक्वायरमेंट इज कि द सेंटर पॉइंट इसका ये नहीं होगा, दैट वुड बी दिस। ठीक है, जब ये सेंटर पॉइंट हो गया तो अब मैं ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ आल्ट की, आल्ट की इसलिए कि आई हैव टू मेक अनदर कॉपी ऑफ दिस, ठीक है ना, एंड फर्दर मैंने 90 डिग्री पे आकर इसको छोड़ देना। देखिए मेरे माउस के साथ इस टाइम 86, 91, 89.47, ऑलमोस्ट ओके 90, सो दैट्स द कॉपी एंड रोटेशन बोथ। अब चूंकि इससे यहाँ तक एक चीज हुई, अगर मैं डुप्लीकेट करूंगा तो यही आगे डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा, सो दैट इज वन वे। द अदर वे, ये आपने सेलेक्ट किया रोटेशन पे, फर्स्ट क्लिक किया, इसको उठा के इधर ले आए, ठीक है, एंड इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने से इट विल गिव यू द ऑप्शन के -90 डिग्री पे इसकी कॉपी बनानी है, यस ये देखें कॉपी बन गई। अब आपने इसको उठा कर मैनुअली सिर्फ लेके आना पड़ेगा, सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू डू इन 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 सेकंड केस। डुप्लीकेट कैसे किया था, कंट्रोल डी इज फॉर डुप्लीकेट, ठीक है ना, जिस तरह ये मैंने एक किया इसे डुप्लीकेट किए, कंट्रोल सी एंड कॉपी एंड पेस्ट इज अ सेपरेट थिंग, वेयर एज डुप्लीकेट इज अ सेपरेट थिंग। डुप्लीकेट जो लास्ट कमांड हमने अप्लाई की थी ना, दैट वॉज द थिंग जस्ट मैंने डुप्लीकेट किया। लास्ट कमांड क्या थी कि हम यहाँ से इसको इधर लेके आ रहे थे, इसी को डुप्लीकेट कर दिया था, सो दैट मीन्स कि यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, ठीक है। बट राइट नाउ लेट सपोज अब हम करते हैं दोनों को सिलेक्ट, करेक्ट, एंड लेट्स सी गो टू द रोटेशन, ठीक है, डबल क्लिक एंड मेक अ कॉपी ऑफ दिस, समझ आ गई, मेक अ कॉपी ऑफ दिस। कॉपी से क्या हुआ, वो नीचे दो अपनी जगह पड़े हुए हैं, ये दो आपके लगा। नाउ यू हैव टू रोटेट फ्रॉम द कॉर्नर साइड, या जाके इसको फर्दर रोटेट करना है आपने तो किसी भी एंगल से जाके इसको तो शिफ्ट की के साथ रोटेट कर लें, एंड दैट्स इट। ये कंपैरेटिवली मैनुअल वे है, वेयर एज जो दूसरा तरीका मैंने बताया था वो ऑटोमेटिक, उसमें डुप्लीकेशन खुद से वो डुप्लीकेट करते हैं। मैनुअल वे में यह है कि आपको थोड़ा सा काम कंपैरेटिवली खुद से करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो लेट्स सपोज ये इस तरीके से आप लोग बनाए, गिव इट अ ट्राई, ट्राई करने के बाद अगर आप कोई भी डिफरेंट कलर्स के से अप्लाई करें, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि यही कलर, ये तो देखिए जितनी बार आप बनाते जाएंगे उतनी बार आपके लिए एक नई से नई ऑप्शन क्रिएट होती जाएगी।
ठीक है, एंड लेट सपोज के आप दिस इज व्हाट योर चॉइस वाज एंड आप कुछ ऐसी ही चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, सो लेट्स मेक सबको कंबाइन करके लेट्स मेक अ ग्रुप एंड एडिट से कॉपी राइट एंड एडिट से पेस्ट इन फ्रंट राइट. सो अभी ये पेस्ट इन फ्रंट आ गया है इसके, वी हैव अ कॉपी ऑफ दिस. सो आर्ट की के साथ हम इसको थोड़ा सा प्लेस करते हैं समवेयर इनसाइड एंड इस कॉर्नर से पकड़कर इसको हल्का सा करते हैं रोटेट एट 45 degrees. सो लुक एट दिस नाउ. अब आप को अगर ये कलर्स पसंद नहीं है सो देयर इज नो प्रॉब्लम, करें ग्रुप एंड ग्रुप करने के बाद देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. लाइक फॉर एग्जांपल आप इसको पकड़ के आर्ट की के साथ मेक अ कॉपी ऑफ दिस ऑन दिस साइड, ठीक है, इसको पिक करें और चले जाएं इसके चेंजेस के ऊपर. दैट इज द ऑप्शन. फॉर एग्जांपल मैं दोबारा दिस वाज द फर्स्ट कॉपी, वी मेक वन कॉपी ऑफ दिस. कॉपी को सिलेक्ट किया, जस्ट सिलेक्टेड नथिंग, जस्ट सिलेक्शन की ऑप्शन ये वाली सिलेक्टेड है. आपने इसको किया सिलेक्ट, इन द टॉप बार देयर इज अ ऑप्शन फॉर रीकलर द आर्टवर्क. रीकलर आर्टवर्क में वो आपको बता देता है कि इस टाइम पे असाइन ये वाले जो कलर्स आपने असाइन किए हुए हैं ये, लेकिन अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप इस पे चले जाएं. एंड फॉर एग्जांपल वी आर इंटरेस्टेड कि हम इसको ये वाला कलर, इसकी कलर स्कीमिंग ये, या इंस्टेड ऑफ दिस हम येलोइश एंड इसको भी थोड़ा सा ग्रीनिश ये देखें एंड वी प्रेस ओके. सो हैव अ लुक एट दिस वन. सो अब आप इसकी एक कॉपी बनाएं और अब आप इस वाले की कॉपी बनाएं विद द हेल्प ऑफ आर्ट की के साथ इसको ड्रैग करके इधर लें एंड नाउ सेलेक्ट दिस वन एंड गो टू दिस ऑप्शन, ठीक है. अब आप इसको इधर करें, दैट वाज द असाइन वन, लेकिन अगर आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं अपने आर्ट वर्क को तो गो टू द एडिट वन. एडिट वन में ये आपको बेसिक ऑप्शन दे देगा कि यार किस तरह की चीजें आप किस लेवल की, जिसमें ये कलर यूज हुआ है आप इसकी वजह इसको उठा के ब्लूइश वाली टोन लें, ओके, इसको उठा के ये वाली टोन, ये दैट्स कंट्रास्ट विद दी दैट्स ओके. सेंटर पॉइंट इसका हमने हल्का सा ये वाला कर दिया एंड देन उसके बाद ठीक है. सो इस तरह की छोटी छोटी ऑप्शंस के साथ नाउ यू कैन कम अप विद सो मेनी ऑप्शंस. अब इसके सेंटर में जाके जो आपकी मर्जी है, जिस तरह की आप सेंटर में रख के हल्का सर्कल वाइट सा बना दें, नो लाइंस एट सेंटर फील्ड इज वाइट, सॉरी. अब इसको बिशक उठा के आप एक बार दोबारा ग्रुप करें, ठीक है जी. सो आई एम प्रीटी श्योर विद द हेल्प ऑफ दीज बेसिक टूल्स आप यू कैन कम अप विद सो मेनी ब्यूटीफुल ऑप्शंस. जितना आप ये देखें, इट इज जस्ट आई थिंक इट टुक मी 5-10 minutes. 5-10 minutes के अंदर अंदर क्या से क्या चीज बनना शुरू होगी. सो आप हल्का से इसके ऊपर थोड़ा सा ये क्रिएटिव वर्क को अप्लाई करना शुरू करेंगे, यू फाइंड आउट के एक ही गो में आपके पास कितनी ज़्यादा ऑप्शंस बनती हैं, ठीक है. सो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए करता हूँ पास. आई वांट टू हैव सम बेसिक क्वेश्चंस बिकॉज टुडे इज मोर और लेस इज आवर 8th ऑफ जुलाई. सो वी आर गोइंग टू हैव आवर ऑलमोस्ट द सेकंड लास्ट क्लास टुमारो. So let me pause here and I want to have some questions.